हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। गाइस देखिए आज कितनी प्यारी बारिश हुई है ना, मौसम कितना प्यारा हो रहा है, एकदम बारिश वाला। पेड़ ये देखिए गाइस, ये मेरा पेड़ पूरा झुक गया। ये तो तूफान ही इतना आ रहा है। हाई अलर्ट का जो दे रखा था न्यूज़ में, वो सच्चे क्या सच्चे होगा, इसीलिए इतनी बारिश आई है ज़ोरदार। ये देखिए गाइस कितना पानी भर गया घर के बाहर। गाइस इधर ये मेरी बालकनी है, ये देखिए गाइस कितनी हरियाली है। मौसम ही इतना अच्छा हो रहा है तो हरियाली क्यों नहीं होगी आज। देखिए गाइस मैं मेरे बालकनी का व्यू बताती हूँ, एक मिनट बाहर जाके मैं आपको। ये देखिए गाइस ये मेरे बालकनी का व्यू है, कितनी हरियाली है ना। बारिश के मौसम में वैसे हरियाली अच्छी लगती है। बारिश की बूंदें भी गिर रही है, आपको दिख रही होगी गाइस हल्की हल्की। ये देखिए गाइस ये मेरा पेड़ है जो कि झुक गया है। देखिए गाइस हवा भी इतनी जोर से आ रही है कि ये पेड़ किस तरह से झुक रहे हैं। ये देखिए ये देखिए गाइस ये मेरे अनार का पेड़ है जिसपे बहुत सारे अनार लग रहे हैं। मैं कभी आपको नीचे जाके बताऊंगी कि कितने प्यारे प्यारे अनार हैं। और ये पेड़ देखिए गाइस ये कितना प्यारा पेड़ लग रहा है ना। ये देखिए गाइस ये नीम का पेड़ है। ये देखिए गाइस कितनी जोर से हवा चल रही है जिससे कि यहाँ शपल के पेड़ तक झुक गए। इतने लंबे लंबे हमारे पेड़ हैं, ये भी झुक गए हैं। ये देखिए गाइस ये गाइस इस पेड़ की टहनी तक ये झुक गई है। गाइस मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ी चाय हो रहा है। ये गाइस देखिए हमने चाय में कुछ डाला है, तो आप बताइए अगर आपको, कमेंट में बताइए अगर आपको पता हो क्या चीज़ है। ये देखिए गाइस धूप भी आ चुकी है, कैसा मौसम है पता नहीं चल रहा है। धूप कभी बारिश कभी धूप। ये देखिए गाइस अब दिखे अनार, तो फिर अभी भी नहीं दिखे, नहीं दिखे वो तो मैं अंदर जाके बताऊंगी। देखिए गाइस ये रहे अनार, इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। ये देखिए गाइस ये लग रहे हैं अनार। ये देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे और कितने सारे लग रहे हैं। ये देखिए गाइस कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। ये मेरा घर है गाइस, ये पेड़ देखिए गाइस कितने सारे पेड़ लग रहे हैं। ये कार खड़ी है। ये गाइस मौसम वापस कैसा हो गया, और गाइस देखिए हमारे घर के बाहर पेड़ गिर गया। ये हम आज बना रहे हैं पकौड़े, बताइए किसके पकोड़े बन रहे हैं। ये देखिए गाइस किस तरह से पकोड़े तेल में फ्राई हो रहे हैं, ये बनके रेडी होते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस हमारे पकोड़े बनकर रेडी हो चुके हैं।